हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में बात करने वाले सीएमए फाउंडेशन का जो एग्जाम होने वाला है 17 दिसंबर को। तो आप लोगों को अब कुछ ही टाइम बचा है, तो आप स्टडी कैसे करोगे? तो देखो फ्रेंड, आप लोगों को जो है एमक्यूपी जो है फाउंडेशन का है, आप लोगों को एक बार देख लेना है। देखो यहाँ पर जो है सिलेबस 2022 का जो एमक्यूपी है, इसके देखो आप क्वेश्चन के साथ आंसर भी दिया गया। तो ये जो चारों पेपर का एक बार आप लोगों को अच्छे तरह से देख लेना है, तो इससे जो है आप लोगों का एक बार पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं सीएमए फाउंडेशन में, तो इसको एक बार आप देख लेना। ये देखने के बाद एमक्यूपी देखने के बाद आप लोगों को जो है एमसीक्यू जो सीएमए प्रोवाइड करता है, यहाँ पर देखो एमसीक्यू, यहाँ पर से आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो एमसीक्यू आ जाएंगे। फाउंडेशन यहाँ लिख कर आ रहा है, इसका जो है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर देखो चारों सब्जेक्ट के दिए गए, जैसे यहाँ पर देखो अकाउंटिंग का, अगर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर टोटल है पीडीएफ खुल जाएगा। जैसे पीडीएफ खुलेगा तो इसमें जितना भी जो एमसीक्यू है, पूरा एमसीक्यू जो है इसमें पूरा एमसीक्यू आएगा। देखो यहाँ पर पूरा एमसीक्यू आ गया। देखो थोड़ा आप स्क्रॉल करने का, देखो आगे ना ऐसे आपको एक बार देख लेना, जिसके भी आंसर से सब कुछ दिए गए। इस प्रकार आपको प्रैक्टिस करते जाना एमक्यूपी और एमसीक्यू और जो ई बुलेटिन जो है उसको भी आप लोगों को एक बार देख लेना है। बस इतना ही आप लोगों को करके जाना है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं रिवाइज करने का। जितना आपसे हो सकता है ये सब मेन है, आप लोगों को जो ई बुलेटिन हो गया और जो एमसीक्यू है और एमक्यूपी, ये सब आप लोगों को एक बार अब देख लेना है। बस इतना ही करना है और ऑल द बेस्ट फॉर योर सीएमए फाउंडेशन एग्जाम। अभी आप कोई नया चैप्टर मत स्टार्ट करना है, क्योंकि अगर नया चैप्टर स्टार्ट करना चाहोगे तो इसी में आपका टाइम पूरा चला जाएगा। इसके लिए जितना आपने रिवाइज रिवीजन किया है उतना ही चलेगा, जितना आपने पहले से पढ़ के रखा है उतना ही रिवाइज करके अच्छे से जाओ। ऑल द बेस्ट फॉर योर सीएमए फाउंडेशन एग्जाम। ऑल द बेस्ट।